अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी आलू गोश्त की रेसिपी कैसे तैयार की जाती है। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो बड़ा गोश्त यूज़ किया है। इसे मैंने अच्छी तरह धो लिया है। 3 बड़े साइज़ के मैंने इसमें आलू यूज़ किए हैं। 4 बड़ी प्याज ऐड की हैं इसमें, 2 बड़े टमाटर और तकरीबन 6 से 7 इसमें मैं ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप और यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि सुरख मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक एंड 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि पिसी हुई हल्दी, और इसमें मैं 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करूँगी। एक मैं प्रेशर कुकर लूँगी, उसके अंदर मैं डाल दूँगी पहले ये सारा गोश्त। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सारी चीज़ें इकट्ठी डालने के बाद मैं इसमें 1/2 कप पानी डाल दूंगी और फिर मैं अब इसका प्रेशर लगा के रख दूंगी। इसके बाद मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया और सीटी उतार दी है। इसके बाद मैंने इसका प्रेशर बंद किया था और सीटी उतार दी थी। ये देखें, इस तकरीबन तैयार हो गया। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी है, मैं इसे अच्छी तरह भून लूँगी ताकि खुश्क हो जाए और फिर मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर लूँगी। पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून बड़े चम्मच, और साथ ही मैं इसके अंदर आलू ऐड कर लूँगी और इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। ये भून के तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर लूँगी तकरीबन 1 मग्गा। आप चाहें तो कम भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसका प्रेशर लगा दूँगी। पूरे 10 मिनट बाद मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। 5 मिनट के बाद सीटी बोलनी शुरू हुई थी और उसके बाद 5 मिनट कैसे प्रेशर लगाया। मिनट के बाद मैंने इसका प्रेशर बंद कर दिया था। आलू गोश्त का सालन बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी सूखी मेथी डाल दूँगी ताकि इससे इसकी खुशबू हो जाए, और इसका ढक्कन दोबारा लगा के रख दूँगी। आलू गोश्त का सालन बन के तैयार हो चुका है। इसे मैंने गार्निश करने के लिए इसमें बारीक कुटा हुआ हरा धनिया डाला है। इसकी मैंने आपको आज आसान रेसिपी बताई। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।